हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि एटवे गैंग बॉक्स में दो साकिट और एक इंडिकेटर और पांच स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे आप लोगों को सब बताते हैं। देख सकते हैं आप लोग, दो साकिट और पांच स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है इधर, तो देख सकते हैं आप लोग। अब इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे आप लोग को, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। आप लोग यदि दो साकिट और दो स्विच लगाना है तो उसका भी कनेक्शन आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना स्क्रू है स्विच के नीचे और साकेट के नीचे, सभी स्क्रू को क्या करते हैं, ढीला कर लेते हैं। ढीला करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी जितना स्क्रू लगा था सभी को ढीला करने, अभी क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं। वायर लेने के बाद जो स्विच के नीचे वाला हिस्सा इसका माप करेंगे। माप करने के बाद इसको क्या करेंगे कि जो ऊपर का वायर का इंसुलेटर इसको हटा देंगे। और हटाने के बाद क्या करेंगे, वायर को खूब अच्छे से ट्विस्टेड कर देते हैं। और करने के बाद आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या करना है। उसके बाद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो ये स्विच के नीचे आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है, आप नीचे वाला, इसमें क्या करना है आप लोगों को आपस में लेके इसको शॉर्ट कर देना है। दोनों में आप लोगों को अच्छे से वायर लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को पूरा टाइट कर लेना है, लूज ना रहे। किसी प्रकार का लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा। तो आप लोगों को हर वीडियो में बताते हैं, लूज ना रहे, पूरा बिल्कुल टाइट कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद टाइट करने के बाद आप लोगों को आगे और दिखा रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग, टाइट हो चुका है हमारा नीचे वाला हिस्सा। अभी क्या करेंगे, जो ऊपर वाले तीन स्विच लगा है उसको भी नाप लेंगे इसे बराबर। और उसका भी क्या करेंगे, इंसुलेटर जो है वहाँ से नाप के काटने के बाद उसका भी इंसुलेटर हटा लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, वायर काट देंगे नाप के। अभी नाप के जो जितना वायर के ऊपर का इंसुलेटर है इसको भी हटा देते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, इसको आराम से आप लोग कटर की सहायता से, आप प्लायर के मदद से आप लोग इसको हटा सकते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, ट्विस्टर कर लेते हैं। और अच्छे से ट्विस्टर कर लेना आप लोगों को, जितना अच्छा ट्विस्टर रहेगा उतना अच्छा है, उसमें जाके स्विच के नीचे वाले हिस्से में पकड़ेगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को नीचे वाला हिस्सा आपस में लेके ऊपर का भी शॉर्ट कर देना है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं, करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, नीचे के साइड में जो दो स्विच का स्क्रू था उसको टाइट कर दें। लास्ट वाला जो इंडिकेटर के पास वाला स्विच है उसका स्क्रू नहीं टाइट किए, क्योंकि उसमें इंडिकेटर का एक फेस भी देना है। तो इसको भी क्या करेंगे, साथ में इसका भी वायर डाल देते हैं। उसके बाद फिर टाइट किया जाएगा इन लोगों को, इसका भी। तो चलिए ये भी लगा दिए और टाइट कर देते हैं इसको भी। तो देख सकते हो आप लोग, अभी जितना फेज का कनेक्शन था सारा फेज का कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसमें क्या करना है कि न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। और न्यूट्रल का कनेक्शन और उसके बाद जो स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से निकलेगा साकेट का फेज, उसका भी कनेक्शन अभी करना है इसमें। तो देख सकते हो आप लोग, अभी आप लोगों को एक छोटा सा वायर ले लेना। और वायर लेने के बाद क्या करना है, इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर के साथ में इसको ट्विस्टेड करने के बाद साकेट का जो एन वाला पॉइंट आप लोग ध्यान से दिखा रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे साकेट का जो एन वाला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को इसमें एक कनेक्शन कर देना है। आप लोगों को इंडिकेटर का एक वायर लेके इसमें आप लोगों को कनेक्शन कर देना है। अब इसका भी कनेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, इसको भी खूब अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो चलिए इसको भी टाइट कर देते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं और क्या करना है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को, ये टाइट हो चुका है हमारा। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा वायर इसमें से कट करेंगे, जो इस साइड का न्यूट्रल का पॉइंट है जहाँ पे एन बना हुआ है, क्या करेंगे इसको भी वायर को छेलेंगे। और दोनों साइड का वायर को छेलने के बाद क्या करेंगे कि दोनों को आपस में ट्विस्टेड कर देंगे। ट्विस्टेड करने के बाद जो एन वाला पॉइंट है, दोनों को आपस में ट्विस्ट करने के बाद उसमें लगा देना है एन वाले पॉइंट में। तो अभी आप लोग देख सकते हो, इधर भी एन वाला पॉइंट है, इसमें भी आप न्यूट्रल वाले पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान से इसमें भी ट्विस्टेड करके लगा देना है। तो देख सकते हो आप लोग, इधर का भी जो हमारा था वायर वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी इतना वायर क्या करते हैं, काट देते हैं। जो हमारा फेस और न्यूट्रल आता है उसमें क्या करेंगे कि आप लोग डायरेक्ट यदि चाहिएगा तो साकेट में भी लगा सकते हैं इसको, वायर को निकाल के। और यदि आप लोग वायर इतना बड़ा निकालना चाहते हैं तो वायर निकाल लीजिएगा, इसमें आप लोग न्यूट्रल कनेक्शन कर लीजिएगा। अभी क्या करते हैं कि छोटा सा वायर लेते हैं, और वायर लेने के बाद जो हमारा स्विच के ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। और उसके बाद टाइट करने के बाद जो हमारा साकेट का एल वाला पॉइंट है उसमें आप लोगों को लगाना है। तो चलिए इसको टाइट करके फिर आगे ट्विस्टेड करके उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग, दूसरे साइड का जो स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से निकला हुआ है उसको क्या कहेंगे, साकेट का जो एल वाला पॉइंट है मतलब लाइन का जो है उसमें लगा देंगे। अभी क्या करते हैं, दूसरे साइड भी सेम ऐसे लगा देते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हो, जो दूसरे साइड में साकेट का फेज वाला कनेक्शन था उसको भी कर दिए हैं। अभी क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं, वायर लेने के बाद उसको हल्का से छील लेते हैं। और जो स्विच के नीचे वाला टर्मिनल है इसको आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, एक जगह में नीचे वाले जो फेज जो आपस में शॉर्ट किए हैं उसको क्या करते हैं, फेज में डाल देते हैं। अभी जो हमारा कनेक्शन था वो पूरा इसको लगाने के बाद रेडी हो जाएगा। तो लगा देते हैं इसको भी और दिखाते हैं आप लोगों को।
तो देख सकते हो आप लोग नीचे साइड में कहीं भी आप लोग लगा सकते हैं, कनेक्शन आप लोग का पूरा हो जाएगा। अब जो जो स्विच के नीचे वाले हिस्से में लगा, इसमें आप लोग टेस्टर चेक कर लीजिएगा, टेस्टर से जलेगा तो इसको फेस बना दीजिएगा, और जिसमें नहीं टेस्टर जलेगा इसको आप लोग न्यूट्रल बना दीजिएगा। तो चलिए वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नया चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।